हाँ तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है, जरा इसका आंसर दीजिए क्या है। इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इज इंसुलिन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, टेन है, नेक्स्ट है क्या कॉपर, थर्ड है जिंक एंड फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी जिंक। ओके, आपके इंसुलिन में उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह अवस्थित है। तो आपको बताना है चाबहार बंदरगाह अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है, ईरान में, ओमान में, इराक में या फिर मिस्र में। बताइए दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है आपका चाबहार बंदरगाह। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईरान में। ओके ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ वाइन। शराब की पीएच वैल्यू आपको बतानी है, ब्लड की भी आप लोग याद रख लेना। फर्स्ट है आपका 9 से 10 पीएच मान, यहाँ पे 7 से 8, यहाँ पे 3.4 से 3.8, यहाँ पर 5 पॉइंट से आपकी 8.5 तक। कितना होता है आपका शराब का पीएच मान आपको जी बताना है। फ्रेंड्स को बता दें यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी 3.4 से 3.8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक कर दें। जी हाँ फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने भाई मित्रों में। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ यह पार्ट आपका फिफ्थ है, पाँचवा पार्ट है। यदि आपने लास्ट फोर पार्ट को नहीं देखा तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा सेक्शन यूआर एग्जाम जीके करके। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चारों पार्ट बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, चेराव नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है चेराव नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। बिच आपका विद विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चेराव डांस एसोसिएटेड, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, आपका चेराव नृत्य मिजोरम से संबंधित है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है क्या, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। आपको बताना है जो शरीर का तापक्रम है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है, वेयर इज द बॉडीज टेम्परेचर कंट्रोलेटेड। तो दोस्तों आपको बताना है कहाँ पे कंट्रोलेटेड, हाइपोथैलेमस या फिर स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी और सेरिबेलम, ये आपके सब मस्तिष्क के पार्ट हैं, आपको बताना है कहाँ पर होता है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोथैलेमस। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आरडीएक्स बाय इन्वेंटेड बाय आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है जो आरडीएक्स होता है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया, आपका अल्फ्रेड नोबल या फिर सोद्यू या फिर बेरिलिंग्स या फिर हैनिंग। जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फोर, हैनिंग। ओके, आरडीएक्स का आविष्कार हैनिंग द्वारा किया गया। चलिए हम देखते हैं डायनामाइट का, अल्फ्रेड नोबल, इन चीज़ों को याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं बार बार। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर हम पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही कम कवर कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी हमने ऑलरेडी पहले से कवर कर ली है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने 9 पार्ट उसके कवर किए हैं जिसमें आपको करीबन 400 के समथिंग क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, इतने इनफ हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वन डे एग्जाम में जिसमें 4 से लेकर 5 तक आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 101% चांस है कि वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के वहाँ पर कवर कराए हैं आपके, है ना, प्ले लिस्ट में जाइए आप बिल्कुल पूरे क्वेश्चन देख डालिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, आवश्यकताओं की मांग होती है। आपको बताना है आवश्यकताओं की मांग होती है, पूरी तरह आलोचनीय, परफेक्टली एनालिस्टिक, आलोचनीय, एनालिस्टिक, पूरी तरह लोचनीय, परफेक्टली इलास्टिक एंड लोचनीय इलास्टिक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूरी तरह आलोचनीय, परफेक्टली एन इलास्टिक। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है? कैसा है आपको बताना है, आर्टिकल 19 से आपका यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल आपका 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब आपका जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, या फिर आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, या फिर आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत। दोस्तों को बता दें आपको यहाँ पर पता होगा आपका जो 19 है आर्टिकल इसमें बोला गया है ना स्वतंत्रता के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। आपको बताना है जो निर्वात होता है, निर्वात मतलब वायु रहित। द वेलोसिटी ऑफ द हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, आपका प्रकाश के बराबर, इक्वल टू द दैट ऑफ लाइट, प्रकाश से कम, लेस देन दैट ऑफ लाइट, प्रकाश से अधिक, ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, ध्वनि के बराबर, इक्वल टू द ऑफ साउंड। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है प्रकाश के बराबर, ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? आपको बताना है किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया। आपके फिरोज शाह है, तुगलक, शेर शाह है, मलिक अंबार, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दुगनी लेंथ की हो जाएगी आपकी वीडियो, आप इंग्लिश में खुद रीड कर लिया करें। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिरोज शाह तुगलक। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका बुक से पुस्तक कारगिल द टर्निंग द टाइड लिखी है, किसने लिखी है? मोहिंदर पुरी ने, या फिर अनीता नायर ने, चेतन भगत ने, या फिर आपका क्या दुर्जोय दत्ता ने, दुर्जोय दत्ता ने। तो बताइए दोस्तों आपकी कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है कौन सी, किसने लिखी है आपकी यह बुक। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, मोहिंदर पुरी ने। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, क्या फोटोफोबिया इसकी कमी से होता है? आपको बताना है जो फोटोफोबिया होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4 या विटामिन B6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, क्या पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम है? आपको बताना है जो अमेरिका आपका नेम दिया गया है क्या, वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम, उसका आपको आम नेम बताना है, क्या कैचुए का, कॉकरोच का, मेंढक का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर, फ्रेंड्स को बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉकरोच का। ओके इसका होता है पेरीप्लेनेटा वैज्ञानिक नेम, अमेरिकाना नाम सामान्य नाम किसका है, कॉकरोच का। ओके पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम है कॉकरोच। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका संविधान प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होने वाला प्रथम संविधान था? भारत का, दक्षिण अफ्रीका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर फ्रांस का। तो बताइए फ्रेंड्स आखिरकार किसका संविधान प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होने वाला प्रथम संविधान था। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, क्या गोमती नदी का उद्गम है? आपको बताना है सोर्स ऑफ गोमती रिवर इज, क्या सेसकुंड, रुकुमकोट, या फुलहर झील, या जानापाव पहाड़ी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर, फ्रेंड्स को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या थर्ड, फुलहर झील। ओके फुलहर लैक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या भूस्थिर उपग्रह की परिक्रमण अवधि होती है? आपको बताना है इसकी परिक्रमण अवधि कितनी, 365 डेज, 24 घंटे, आपका 12 घंटे, निर्धारित नहीं, नॉट फिक्स। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर, फ्रेंड्स को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला क्या बी। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे, 24 आवर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड किसे मिला है?
आप बताइए, रचना खेरा को, सुरजन अग्रवाल को, महेश भट्ट को या शरण्या गोस्वामी को? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचना खेरा को। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, नेशन निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? फर्स्ट दयानंद सरस्वती, सेकंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड राजा राम मोहन राय एंड फोर्थ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, सेकंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपको बता दें, अब हमने फिक्स कर लिया है कि हमारी मॉर्निंग में क्लास, आपका जो क्विज रहता है जीके का, ये आएगा आपका 10 बजे, और आपका इवनिंग में आएगा। रात में कब आएगा दोस्तों? आपका रात में आएगा फ्रेंड्स करीबन 9 बजे, और 9 से पहले आपको रितु सर की क्लास मिलेगी इंग्लिश की। कितने टाइम वो मिलेगी आपको? पर डे 8 PM पर, या फिर 8:30 पर। आप लोग कमेंट करें आप कब चाहते हैं 8 पर कि 8:30 पर, कुछ अपने कमेंट्स भी किया करिए फैंस, है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फैंस, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अनुच्छेद 368 तहत संशोधित नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन है संप्रभुता, प्रादेशिक अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है आपका संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, संघीय प्रणाली, और फोर्थ आता है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और संसदीय रूप। आपको बताना है इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संसदीय रूप। ये क्या है? चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नहीं की जा सकती। क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्नलिखित किसका डर है? दोस्तों एंथोफोबिया आपका डिसीज है, किसका डर लगता है एंथोफोबिया जिस व्यक्ति को हो जाता है? मालिक का, आग का, पुष्प का, कुत्ते का? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होने वाला है क्या आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होने वाला है यहाँ पर, सी पुष्प का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एंडोस्कोप का उपयोग, सॉरी यहाँ से बोलना है, रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर वर्क करता है? आपको बताना है, जो एंडोस्कोपी होती है आपने देखा होगा किसी किसी की आहार नाल में डाल देते हैं, छोटा कैमरा लगा होता है फ्रंट पे और एक पतली रॉड सी होती है बिल्कुल सटक की तरह अंदर। हमारे यहाँ पर जब एंडोस्कोपी कराता है कोई व्यक्ति तो पेट के अंदर डाल देते हैं, कभी कभी श्वास नली के माध्यम से, कभी कभी आहार नली के माध्यम से। तो आपको बताना है किस सिद्धांत पर वर्क करती है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपके इससे क्वेश्चन बन जाते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कैसी घटना है। आपको इसके एग्जांपल भी पता होने चाहिए, रेगिस्तान में मरीचिका आपका इसका और हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, कभी कभी गर्मियों के टाइम पर आप सड़क पर चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है आगे चलकर पानी है, बट आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। ये आपका पूर्ण आंतरिक का परावर्तन का एग्जाम्पल है। आपको लगता है रेत में जब आप चलते हैं तो आगे चलकर पानी है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि दोस्तों हीरे का चमकना, ये सारे आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारत में तोपखाने का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक कौन था? आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी, बाबर। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी बाबर। तोपखानों का इस्तेमाल करने वाला शासक पहला, बाबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज वॉरप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया था? आपके कनाडा, आपका साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर जर्मनी? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है।
दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश मोहन कमेटी वाज रिलेटेड टू, राकेश मोहन कमेटी संबंधित थी अवसंरचना से, आपका कर सुधारों से, बेरोजगारी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, या फिर अवसंरचना से, आपकी जो राकेश मोहन कमेटी संबंधित थे अवसंरचना से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो बताइए जो आपका पंचायतन वर्ड है वो किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, या फिर प्रशासनिक अधिकारी। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड, मंदिर संरचना। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। क्या गंडक नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? द गंडक रिवर इज द पार्ट ऑफ विच रिवर सिस्टम? आपको बताना है किससे संबंधित है, ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से, गंगा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र, इंडस, या फिर आपका गंगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। दोस्तों को बता दें इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड, गंगा से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 28 क्वेश्चंस आज सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करते जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारा मन भी लगता है। और आपको बता दें रोज़ डेली नाइट में भी आपकी क्लासेज होती हैं, जो कि आपको मिलेगी करीबन सर की मिलेगी, रितु सर की, आपको 8 पर। आप लोग करें 8 पर करें कि इनकी 8:30 पर, इंग्लिश इसका कंप्लीट करा देंगे आपका। एंड इसके बाद हमारी आएगी क्लास 9 पर। यदि आप 8 से कराएंगे तो हमारी 8:30 पर आ जाएगी क्लास, यदि आप इनकी 8:30 से कराएंगे तो अपनी 9 पर आ जाएगी क्विज वाली। जी तो फ्रेंड्स आप लोग कैसा चाहते हैं कमेंट्स करिए। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।